नमस्कार। आज बैगन भाजा बनाएंगे। इसके लिए मैं एक बैगन ले ली हूँ, इस तरह का बैगन है। और मसाले के लिए ले ली हूँ मैं लहसुन है, मिर्च है और अदरक का एक टुकड़ा है। इसको कई तरह से बनाया जाता है। अगर आप ज़्यादा तेल मसाला खाना पसंद करते हैं तो भी आप तेल मसाला डाल के बना सकते हैं, नहीं तो एकदम सिंपल तरीके से भी बनाया जाता है। इसको अच्छी तरह से हम काट लेंगे, चाहे तो आप इसका गोल गोल बना लीजिए। इस तरह का बैगन काटेंगे, इस तरह से इसके टुकड़े काट लेंगे हम। एक बर्तन में डाल के इसको मैं धो ली थी, फिर भी इसको एक बार धो लेंगे हम। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हींग डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेते हैं। एक चम्मच इसमें दही डालेंगे और इस पेस्ट को डाल देते हैं। अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, लहसुन का। अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिला के इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही रखते हैं। 5 मिनट के बाद देखते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, बैगन भी बहुत अच्छी तरह से मसाले को मिल गया है, मसाला बहुत अच्छी तरह से। चलिए कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। कोई भी तेल डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। तेल गरम हो गया है, एक एक बैगन को हम डाल देते हैं। तो ये बैगन को मैं डाल दी, ये जो मसाले बचे हैं इसके ऊपर डाल देंगे हम। इसको हल्के आंच पे हम बनने देते हैं। ढक के रख देते हैं, हल्के इसको पकने देते हैं। देख लेते हैं इसको, पलट के देखते हैं। तो गैस का फ्लेम हम तेज नहीं रखेंगे, हल्के ही आंच पे बनाना है, नहीं तो जल जाएगा और कच्चा भी रह जाएगा। इसलिए इसके ऐसे मसाले से पलट पलट के पकाएंगे। जैसे इसको भूनते हैं हम, फिर इसे पकने देते हैं। देख लेते हैं बैगन, एक बार फिर से पलट देंगे। कम तेल में भी बहुत अच्छा पक रहा है, चाहे तो आप तल के भी खा सकते हैं। कितनी अच्छी तरह से बैगन पक रहा है मेरा। थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, सभी को पलट लेते हैं एक बार। ज्यादा तेज आंच करेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर से ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। देख लेते हैं, ये बैगन बन गया है। चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं। गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल देते हैं। खीर बन के तैयार हो गया है बैगन। कितना अच्छा बना है, कम तेल मसाले में भी बना के खाया जा सकता है। आप इस तरह से एक बार बनाइए और कैसा बनता है जो कमेंट करके बताइए।
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।